निफ्टी और सेंसेक्स के अंदर जो आज इतनी बड़ी गिरावट आई है उसका कारण जानते हैं आप? और निफ्टी और सेंसेक्स में ही नहीं, यहां पर अगर आप देखें स्मॉल कैप और मिड कैप की धुआंधार पिटाई हुई है, और इस पिटाई का कारण समझते हैं आप? इसराइल और ईरान की वार। दरअसल आज देखा जाए तो ईरान ने सिरे से नकार दिया है यूरोपियन यूनियन की बातों को, यानी कि यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और जर्मनी की तरफ से जो इस युद्ध को खत्म करने की वार्ता की जा रही थी ईरान के साथ, वो कहीं ना कहीं अब ईरान ने उसको नकार दिया है, यानी कि अब ये युद्ध बढ़ सकता है। जो इन्वेस्टर ये सोच रहे हैं कि इस युद्ध का भारत की इकोनॉमी पर, भारत के बाजार पर कुछ इफेक्ट नहीं होगा, ये उनके लिए एक जवाब है। ये युद्ध जितना बड़ा होगा बाजार के अंदर उतना बड़ा करेक्शन होगा, ये आपको समझना होगा। युद्ध अगर लड़ा जाएगा तो उसका इम्पैक्ट भारत की इकोनॉमी पर जरूर आएगा, चाहे वो तेल को लेकर हो या आप कह सकते हैं इस युद्ध के अंदर इन्वॉल्वमेंट को लेकर। अगर ये युद्ध गहराता है और इसके अंदर और कंट्रियों की भी प्रेजेंस होती है, एग्जाम्पल यूएस जैसी कंट्री अगर इस युद्ध के अंदर आती है, और ईरान की अगर जैसे साथ बात हो रही है, तो जिस तरीके से चाइना सपोर्ट करने की बात कर रहा है, रशिया सपोर्ट करने की बात कर रहा है, अगर इनका समर्थन डायरेक्ट आता है तो आप समझते हैं युद्ध कितना गहरा सकता है। यानी कि जितना बड़ा ये युद्ध होगा उतनी बड़ी करेक्शन होगी, जितने दिन ये युद्ध चलेगा उतनी ज्यादा करेक्शन आपको बाजार के अंदर देखने को मिल सकती है। ये तो आप देख ही रहे हैं कि बाजार की हालत पतली है। अगर हम पिछले कुछ दिनों से देखें, बाजार कुछ ना कुछ करेक्शन का बहाना ढूंढ रहा है, कोई भी अगर बात आती है तो उस पर रेस्पॉन्स करता है, पर थोड़ा बहुत गिर के बाजार जो है समझ जाता है। पर ओवरऑल अगर हम बाजार का केस देखें, इस बाजार की सिनेरियो देखें, तो बाजार को ऊपर जाने में पसीना आ रहा है। जिस तरीके से बाजार धुआंधार रैली दिखा रहा था, स्मॉल कैप मिड कैप लगातार भाग रहे थे, अब बाजार को आगे बढ़ने में पसीना आ रहा है। और उसमें सबसे ज्यादा जो यहाँ पर डेंट किया है वो किया है Q1 के नतीजों ने। Q1 के नतीजों में जिन कंपनियों के नतीजे खराब आए हैं उनकी तो पिटाई हुई है, पर साथ ही साथ जिन कंपनियों के नतीजे बढ़िया भी आए हैं उनमें कहीं ना कहीं आपको प्रेशर देखने को मिला है। क्योंकि ओवरऑल बाजार के अंदर देखें तो Q1 के नतीजे जो है म्यूटेड से दिखाई दे रहे हैं। इन नतीजों में कोई खास परफॉर्मेंस कंपनियों ने नहीं दिखाई है। कोई भी फैक्टर बाजार के अंदर ऐसा नहीं है जो बाजार को इस समय फेवर कर रहा है, या आप कह सकते हैं जो बाजार के अंदर तेजी लाए। तो आप क्यों नहीं यहां पर थोड़ा कॉशियस होकर काम करते हैं? अगर आप बाजार के अंदर 100% इन्वेस्टेड है तो आपको थोड़ा इस वीडियो को जरा ध्यान से समझना चाहिए। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको कुछ सचेत कर रहा हूं, क्योंकि प्रॉफिट ऑन टेबल भी होना बहुत जरूरी है जिस तरीके का सिनेरियो इस समय बाजार के लिए बनता दिखाई दे रहा है। क्योंकि ग्लोबल फैक्टर अपने हाथ में नहीं है, ग्लोबल फैक्टर तो ऐसे है उसके अंदर बाजार के अंदर कितना भी बड़ा इंपैक्ट आ सकता है। अब सवाल यहां पर यह है कि इस युद्ध में कितना इंपैक्ट नहीं गिरावट निफ्टी के अंदर देखने को मिल सकती है। दरअसल अगर ये युद्ध ईरान और इसराइल के बीच में ही लड़ा जाता है, और ये युद्ध पिछली बार की तरह एक दिन में अगर खत्म हो जाता है, ईरान जो है एक अटैक कर उसको खत्म कर देता है, तो मुझे लगता है फिर बाजार के अंदर गिरावट आपको बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलेगी। बाजार आपको उसी सेम डे में 5-7% की गिरावट दिखाकर वहां से रिकवर होता दिख सकता है। पर ये युद्ध अगर एस्केलेट होता है और युद्ध अगर लंबा चलता है, अगर ईरान और इसराइल भी लड़ते हैं, तो बाजार आपको 10-15% की गिरावट आसानी से दिखा सकता है। यानी कि 24,500 वाला जो निफ्टी है वो आपको उस समय 21,500 के आसपास आसानी से जाता दिख सकता है। पर अगर ये बाजार उससे भी ज्यादा एस्केलेट होता है और यहाँ पर अगर अदर कंट्रियां लड़ने आती हैं और ये युद्ध अगर बढ़ता है, तो बाजार आपको उससे भी बड़ी गिरावट दिखा सकता है, यानी कि 20% प्लस की करेक्शन आपको दिख सकती है। और अगर युद्ध यहीं पर समाप्त हो जाता है तो ये भी बात सही है कि बाजार वापस मूवमेंट पकड़ लेगा, उसमें बाजार पर जो खतरा मंडरा रहा है ये बाजार के लिए दूर होता दिखाई देगा। इट मीन्स ये है कि अगर युद्ध थोड़ा लंबा चला तो करेक्शन लंबी होगी, क्योंकि उससे यहाँ पर जो है भारत के लिए दिक्कत होगी क्रूड ऑयल की, और क्रूड ऑयल अगर 100 के ऊपर जाएगा तो भारत के बाजार चल नहीं सकते, कंपनियों को आगे दिक्कत होगी, रॉ मटेरियल की कॉस्टिंग बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगी, और उसका इम्पैक्ट आपको इंडियन शेयर मार्केट पर जरूर दिखाई देगा। तो यानी कि उस कंडीशन में बाजार को गिरना तय, यहाँ पर आप लगभग मानिए। अब बात यहाँ पर यह है कि स्मॉल कैप मिड कैप या हमारे शेयरों का क्या होगा, उसका जवाब आज आपको मिला होगा कि इंडेक्स में अगर प्रेशर आया तो स्मॉल कैप और मिड कैप में उससे ज्यादा प्रेशर आया, यानी कि इंडेक्स अगर गिरेगा तो स्मॉल कैप मिड कैप शेयर जरूर गिरेंगे, और उनकी जो गिरावट होगी वो कहीं ना कहीं इंडेक्स से ज्यादा होगी, तो उसके लिए भी आपको नियर टर्म में तैयार रहना है। तो यहाँ पर आपको ये जरूर मानकर चलना है कि इंडेक्स गिरेगा तो स्मॉल कैप मिड कैप शेयर जरूर गिरेंगे। वहां पर देखा जाए
जिनके पास कैश होगा उनके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी भी होगी, क्योंकि बाजार गिर के रिबाउंड जरूर करेगा, वहां से वापस जरूर होगा, ये बात भी सच है। अब वहां पर बाइंग कौन करेगा? जिसके पास कैश होगा। अब बात यहां पर यह है कि अगर आपका पोर्टफोलियो 10 लाख रुपए का है तो मुझे लगता है ये समय ऐसा है कि इस समय आपके पास 30% कैश जरूर होना चाहिए उसके अनुपात में, यानी कि 3 लाख रुपए का कैश इस समय अपने हाथ में जरूर होना चाहिए जो बाजार इस समय बता रहा है। अगर बाजार यहां से घूम जाता है तो फिर आप दोबारा बाइंग कर सकते हैं, सब कुछ अगर अच्छा हो जाता है, और अगर कुछ भी बिगड़ता है तो एटलीस्ट आपको 30% का मार्जिन जरूर होगा, यहाँ पर माल सस्ता खरीदने का मौका आपके पास जरूर होगा। और अगर आप यहाँ पर अच्छे खासे प्रॉफिट पर बैठे हैं, आपने थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट जरूर बुक करना चाहिए, यानी कि अगर आप किसी कंपनी में पैसा डबल करके बैठे हैं तो मुझे लगता है आपको 30% पैसा एटलीस्ट वहां से जरूर ढीला करना चाहिए, जिससे आपकी कुछ प्रिंसिपल भी आपके पास आए और जो उसमें आपके रिटर्न है वो भी आपको मिले। ये समय ऐसा है कि इस समय आपको पोर्टफोलियो का 30% अमाउंट जरूर लिक्विड रहना चाहिए। अगर बाजार में इस तरीके का मौका आएगा तो तभी आप पैसा बना पाएंगे जब आपके हाथ में कैश होगा। अगर आप 100% इन्वेस्टेड होंगे तो आपको एक बड़ी गिरावट के लिए भी तैयार रहना होगा, आपको मन बनाकर रखना होगा, आपको दिल पक्का करना होगा कि आपको नियर टर्म में बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी, पोर्टफोलियो नीचे भी जाएगा, ऊपर हायर लेवल से अगर 30-40-50% तक भी पोर्टफोलियो गिर जाए तो आपको उस समय डरना नहीं है, मन पक्का कर बैठना है, क्योंकि बाजार आपने देखा ही है 2020 में जिस तरीके से रिकवर हुआ, हो सकता है वैसी ही रिकवरी आपको वी शेप रिकवरी इस बार भी दिखा दे। पर इस युद्ध को आप थोड़ा सीरियस होकर मानिएगा, क्योंकि बाजार पर एक चीज नहीं अनेक चीजें प्रेशर बना रही हैं, इसमें एक भी चीज अगर ऐसी आ गई जो बाजार को नहीं पता है तो वो आपको बहुत बड़ी मेजर करेक्शन दिखा सकती है। हिंडनबर्ग के अगर रिपोर्ट के बाद देखें, बाजार ने ऐसी रिएक्शन नहीं दिखाई है, क्योंकि पहली बार बाजार वो रिएक्शन दिखा चुका है, पर युद्ध का भी बाजार को कुछ कंफर्मेशन नहीं है, जिसे बाजार अगर डिस्काउंट करने पे आ गया आपको बहुत बड़ी भी गिरावट यहाँ से नियर टर्म में दिख सकती है। तो यहाँ पर आपको डराने का मतलब नहीं है, सजग करने का मैटर है, थोड़ा सा आप सजग रहें, कैश इन हैंड रहें और इस युद्ध की तैयारी में रहें, यहाँ पर मौके ढूंढें कि क्या आपको नियर टर्म में कोई मौका मिलेगा जिसमें आप पैसा बना पाएं। बाजार में अगर तेजी दिखती है तो मंदी भी दिखती है, अगर आप तेजी के लिए इतने ललायत थे तो मंदी के लिए भी आपको तैयार रहना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात करेंगे एक नई वीडियो के साथ, फिलहाल के लिए नमस्कार।